हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये है स्पाई एक्स फैमिली की एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग गाड़ी चला के कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों की बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कंट्री के बड़े बड़े लोग एक मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। वो लोग उसी एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जिन दोनों की एक्सीडेंट हुआ वो दोनों डिप्लोमेट्स थे। उन दोनों के ऊपर रहस्यमय तरीके से हमला होने लगा और शायद वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर हमला करना चाहती, इसलिए हमारे सबसे अच्छे एजेंट वहां पर भेजना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉयलेट नाम का एक बंदा अपने गाड़ी में बैठ के किसी से मिलने आता है। एक इंसान जो उसके साथ वहां पर मिलता है वो उन्हें काफी सारे फोटो देता है और वो कहता है कि ये प्रूफ है कि फॉरेन मिनिस्टर टोपी पहनता है। और वो आदमी कहता है कि इससे तुम्हारा काम बन जाएगा और वो कहता है कि इस सबूत के साथ हम फॉरेन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए मजबूर कर देंगे। फिर टॉयलेट वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा आता है जो कहता है कि सबूत देने के लिए, लेकिन दूसरे बंदा ने वो सारे सबूत टॉयलेट को दे दिए थे क्योंकि टॉयलेट ने दूसरे बंदे के रूप में आया था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉयलेट गाड़ी में जा रहा होता है और वो अपने फेस के ऊपर से दूसरे बंदे का रूप निकाल देता है। और हमें बताया जाता है कि जब देशों के बीच वार हो रहा था तो ये इंसान ने अकेले ही वो वार को सरवाइव कर दिया था, बार बार भेस बदल कर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉयलेट के आगे एक लड़की बैठी होती है, जहां पर वो लड़की कहती है कि मेरे फादर को काफी लॉस हो गए हैं, लेकिन वहां पर टॉयलेट कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पर एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और ये देख के वो लड़की टॉयलेट से पूछती है कि आखिर हम ऐसा कब करेंगे, जहां पर टॉयलेट उसे कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ लेना, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो एक जगह पे आके अपने मन में कहता है कि करीन मुझे माफ करना, अब तुम्हारी फैमिली मेरी कोई काम की नहीं है और अब मेरी रोबोट की जिंदगी खत्म हो गई है। जब से मैं एक स्पाई बना हूं तब से मैं अपनी आइडेंटिटी बदलते जा रहा हूं और मेरी कोई भी एक स्टेबल आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉयलेट किसी के पास आता है, जहां पर वो लोग एक न्यूज़पेपर एक्सचेंज करते हैं। टॉयलेट जब वो न्यूज़पेपर को खोलता है तो उसे वहां पर कुछ क्ल्यू मिलते हैं जिसमें लिखा था कि तुम्हारा लास्ट मिशन काफी अच्छी तरह से पूरा हो गया, अब तुम्हें एक नया मिशन के लिए जाना होगा जिसके लिए तुम्हें दूसरी कंट्री में जाके रहना होगा। तुम्हारी अगली टारगेट है नेशनल यूनिटी पार्टी के एक लीडर डोनोवान डेसमोंड, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट समझौते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हें उसके करीब जाना होगा और ये मिशन को खत्म करना होगा। और इसके लिए तुम्हें एक बीबी और एक बेटी चाहिए। डेसमोंड बहुत ज्यादा सतर्क रहने वाला एक इंसान है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ बहुत कम ही दिखता है। वो कभी कभी उसके बच्चे की स्कूल की पार्टी को अटेंड करने के लिए बाहर निकलता है, इसलिए तुम्हें भी तुम्हारे एक बच्ची को उसी स्कूल में डालना होगा। स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम देने के समय जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें एक हफ्ते का समय मिलता है। और टॉयलेट गुस्से में वही पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है मैं एक हफ्ते में कहां से एक बच्चा पैदा करूं। उसके बाद वो सोचने लगता है कि वेस्ट और ईस्ट के बीच पीस बनाने का यही एक तरीका है, अगर मैं ये मिशन पूरा नहीं करूंगा तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। मैं एक स्पाई हूँ, मुझे कोई मेडल भी नहीं मिलेगा, कोई तारीफ भी नहीं करेगा, मैं आसपास के लोगों की खुशी से ही खुश रह सकता हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छोड़ दिया और मैं एक स्पाई बन गया क्योंकि मुझे इस दुनिया की खुशी चाहिए थी। उसके बाद टॉयलेट नए मिशन के लिए काम स्टार्ट कर देता है और वो एक अपार्टमेंट देखने जाता है, जहां पर वो सोचता है कि यहां पर कोई वाई टाइप या फिर मेरे ऊपर कोई नजर रखने वाली चीज नहीं है। और उसके बाद वो अपार्टमेंट के लिए साइन कर देता है, जहां पर वो खुद का नाम लॉयड फॉरगर नाम रखा हुआ होता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर एक बच्चा लाना है, आखिर मुझे इतनी मुश्किल मिशन क्यों दिया जाता है। उसके बाद वो एक ऑर्फनेज के पास जाता है, जहां पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और वो कहता है तुम्हें किसी बच्ची को एडॉप्ट करना है ना, तो तुम अंदर आ जाओ। और उसके बाद फॉरगर सोचने लगता है कि चाहे मैं कितना भी स्किल्ड हूँ लेकिन मैं एक बच्चा तो नहीं बन सकता। फॉरगर उस आदमी से कहता है कि मुझे ऐसे एक बच्चा चाहिए जो लिखकर पढ़ सकता है। वो आदमी उसे एक आनिया नाम के एक बच्चे के पास लेकर जाता है और वो आदमी वहां पर सोचता है कि यही सबसे ज्यादा स्मार्ट है और ये यहाँ पर सबको परेशान करते हैं, ये यहाँ से चली जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फॉरगर वहाँ पर सोचता है कि एडन कॉलेज में 6 साल से छोटी बच्ची को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो बस 4 साल की दिख रही है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं 6 साल की हूँ। उसके बाद वो छोटी बच्ची क्रॉसवर्ड पजल उठा लेती है और वो कहती है मैं इसे सॉल्व करूंगी। फिर वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। लॉयड सोच रहा होता है कि ये तो बच्ची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉरगर वहाँ पर वही पजल को अपने दिमाग में सोचने लगता है और आनिया फॉरगर जिस तरह से सोच रहा होता है उसी तरह से वो लिखने लगती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दिमाग पढ़ सकती है। और उसके बाद वो पजल को भी सॉल्व कर देती है, जहाँ पर फॉरगर कहता है कि ये बच्ची इतनी आसानी से सॉल्व कर ली, मुझे लगता है कि ये एंट्रेंस आसानी से पास कर लेगी। उसके बाद फॉरगर वो बूढ़े आदमी से बात कर लेता है कि वो आनिया को अपने साथ लेके जाएगा, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम उसे लेके जा सकते हो और तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरगर वही मिशन के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वहाँ पर आनिया को भी ये पता चल जाता है कि फॉरगर एक स्पाई है। और इसके बाद आनिया बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है और तभी हमें बताया जाता है कि वो लड़की एक टेलीपैथ है और वो किसी दूसरे के दिमाग पढ़ सकती है। और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वहाँ से आनिया भाग के आई है और आनिया को भी सब्जेक्ट 007 एक्सपेरिमेंट में बनाया गया था।
वहाँ से भागने के बाद आनिया किसी को ढूंढ रही है जो आनिया की ख्याल रख सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फोरगर आनिया से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि आज से तुम मेरी बेटी हो और तुम मुझे फादर बोलोगी, और आनिया जल्दी उसे फादर कहती है। और उसके बाद फोरगर आनिया को घर लेके आता है जहाँ पर आनिया टीवी में स्पाई वार्स देखने लगती है और आनिया कहती है मुझे ये पसंद है। और उसके बाद फोरगर अपने मिशन के लिए कुछ चीजें बाहर लेने जा रहा होता है और आनिया आके फोरगर की पैर पकड़ लेती है और वह कहती है तुम एडवेंचर में जा रहे हो इसलिए मुझे भी साथ में लेके जाओ। और उसके बाद आनिया फोरगर के साथ बाहर आ जाती है और वो भीड़ में खो रही होती है। फिर फोरगर आनिया की हाथ पकड़ लेता है और वो वहां पर कहता है कि मेरा एक हाथ आनिया को पकड़ने के लिए बिजी है, अगर दुश्मन मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं अपने एक हाथ से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आनिया एक जगह पे जाके छुप जाती है जहां पर फोरगर सोचने लगता है क्या वो मुझसे छुप रही है, क्या मुझसे नफरत करती है, अगर मुझे ये दुनिया में पीस लानी है तो मुझे एक क्रिएचर को समझना होगा। और यहाँ पर आनिया सोचने लगती है कि आखिर मुझे समझने से इस दुनिया में शांति कैसे बन सकती है। और आनिया वहाँ पर कहने लगती है कि मुझे पीनट पसंद है, कैरेट पसंद नहीं है। उसके बाद वो एक शॉप में जाके कुछ चीजें खरीदने लगती है लेकिन उसके पास सफिशियंट कॉइन नहीं होते हैं, बेवकूफ है क्योंकि वो कम पैसा दे रही है, तो क्या मुझे इसे बदल देना चाहिए। और ये सुन के आनिया रोते हुए कहती है प्लीज मुझे दूर मत भेजना, मैं बार्गेन करने में अच्छी हूँ। तभी सभी लोग फोरगर को देखने लगते हैं और आनिया रो रही होती है। और उसके बाद फोरगर आनिया से कहता है कि मैं तुम्हें पीनट खरीदूंगा इसलिए तुम चुप हो जाओ। उसके बाद वो पीनट खरीद के वहां से जाने लगता है। उसके बाद आनिया भी सो जाती है जिसकी वजह से फोरगर आनिया को उठा लेता है और वो बच्चियों को समझने के लिए काफी सारे बुक खरीद लेता है। और उसके बाद वो बुक पढ़ने के बाद वो सोचता है कि नॉर्मल पेरेंट्स बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो सोचता है कि ये मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं उसे ऑर्फनेज में रिटर्न कर दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फोरगर आनिया को पढ़ने के लिए बोलता है लेकिन आनिया पढ़ने के लिए मना कर देती है। उसके बाद फोरगर हार मान के वहां से चला जाता है और जब फोरगर जा रहा होता है तो आनिया भी उसके पीछे जाने लगती है। तो वहां पर फोरगर कहता है कि आज तुम मेरे पीछे नहीं आओगी, लेकिन आनिया फोरगर की बात नहीं मानती और वो दरवाजा खोल के फोरगर के पीछे आने लगती है। फोरगर दरवाजा बंद करके आनिया को अंदर ही रखता है लेकिन आनिया फिर भी बार बार फोरगर के पीछे आने लगती है और फोरगर बार बार आनिया को ढूंढ लेता है। और वहां पर आनिया कहती है कि फादर मुझे ढूंढने में बहुत ही अच्छे हैं और इससे मुझे मजा भी आ रहा है। आखिर में फोरगर थोड़ा परेशान होकर वो दरवाजे के आगे एक बैरिकेड लगा देता है और उसके बाद वो एक आदमी से मिलने आता है और वहां पर वो आदमी कहता है कहीं तुम्हें चाइल्ड एब्यूज केस में पकड़ नहीं लिया जाए अपने बच्ची को घर के अंदर बंद करने के लिए। और वो आदमी ट्विलाइट को एंट्रेंस एग्जाम का टिकट भी देता है और पेपर भी लिक कर देता है। और वो आदमी आनिया के बारे में थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी देता है और वो कहता है कि आनिया की एज फादर मदर के बारे में किसी को भी नहीं पता। साथ में वो बताता है कि उसे 4 बार अडॉप्ट किया गया लेकिन उसे वापस भेज दिया गया था। आगे वो बंदा ट्विलाइट से कहने लगता है कि ना ही उस लड़की की कोई पहचान है ना ही तुम्हारी, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। और उसके ये मजाक के वजह से ट्विलाइट वहां से बिना पैसे दिए चला जाता है, इसके वजह से वो आदमी चौंक जाता है। और उसके बाद आनिया एक बेड में लेट के बोर हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि एक स्पाई की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल होती होगी, वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। वहां पर फोरगर सोचने लगता है कि मैं इसे स्पाई के सामान के साथ कुछ करने नहीं दे सकता और इसीलिए वो अपने सामान को एक बॉक्स में बंद कर देता है। और उसके बाद वो बॉक्स का कोड को अपने मन में सोचने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनिया फोरगर की सामान ढूंढ रही होती है और वो कहती है कि मुझे अगर वो बॉम्ब मिल जाएगा तो मजा आएगा। तभी आनिया को एक ट्रांसमिशन के लिए एक मशीन मिलती है जहां पर आनिया ट्रांसमिशन भेजने लगती है। वो ट्रांसमिशन करीन की फादर को भी जाता है जो ट्विलाइट की दुश्मन है। ये वही करीन की फादर है जो ट्विलाइट पहले जिस लड़की के साथ बात कर रहा होता है। और उस ट्रांसमिशन का मतलब था मैं ट्विलाइट हूँ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़। और जिसके वजह से वो लोग ट्विलाइट के पोजीशन के बारे में पता कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आनिया देखती है कि फोरगर के सारे सामान बिखरा हुआ होता है और वो कहने लगती है कि अगर फोरगर को पता चला कि आनिया को पता है कि वो एक स्पाई है तो फिर वो उसे मार दे। तो दूसरी तरफ अगर उसे ये पता चल जाता है तो आनिया एक टेलीपैथ है तो उसे फिर से ऑर्फनेज भेज दिया जाएगा। उसी समय आनिया को कुछ लोगों के बारे में याद आता है जो उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। वो लोग साइंटिस्ट की तरह दिख रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम एक बच्ची की तरह हरकत नहीं कर सकती हो, तुम्हें अपनी पावर की इस्तेमाल करने के लिए अब पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्विलाइट अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि बैरिकेड थोड़ा अलग तरह से लगा है। फिर जब वो कमरे के अंदर जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि दो लोग छुपे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा ट्विलाइट के ऊपर हमला करने वाला होता है, ट्विलाइट उसे मारता है। तभी दूसरा बंदा ट्विलाइट के ऊपर हमला करता है तो ट्विलाइट उसे भी मार के पटक देता है। उसके बाद वो आनिया को ढूंढने लगता है जहाँ पर आनिया किडनैप हो गई होती है और कमरे के सारे सामान इधर उधर बिखरे भी हुए होते हैं। जहाँ पर फोरगर सोचने लगता है कि उसे दूसरे भी बच्चे मिल सकते हैं तो इसलिए क्या वो आनिया को छोड़ दे। तभी हम देखते हैं कि पीछे वही आदमी छुपा हुआ होता है और वो ट्विलाइट को मारने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि करीन के फादर आनिया को बांध के रखे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे होस्टेज की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि हम ट्विलाइट को यहाँ बुला सके और हम फॉरेन मिनिस्टर की टोपी को देने के लिए कहेंगे। वहाँ पर आनिया करीन के फादर के पास पिस्टल देखती है जहाँ पर आनिया सोचने लगती है कि ये सच में एक बुरा इंसान है।
अगले सीन में उसका आदमी ट्विलाइट को लेके वहाँ पर आ जाता है और उसे नीचे रख देता है, और उसके बाद वो वहाँ पर कहता है कि ट्विलाइट ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद करीन के फादर वही इंसान के पास जाके मास्क हटाते हैं तो वो बंधा हुआ आदमी उनका ही बंधा होता है, और ट्विलाइट वहाँ पर आन्या को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है और दरवाजे को भी बंद कर देता है। और वहाँ पर ट्विलाइट सोचने लगता है कि मैं दुश्मन के एरिया में आ गया हूँ सारी चीजों को खतरे में डाल के। वहाँ पर आन्या रोने लगती है और वो कहती है कि मुझे डर लगा, और वहाँ पर ट्विलाइट कहता है अब मुझे समझ में आ गया क्यों आखिर मुझे बच्चे की रोना पसंद नहीं है, क्योंकि बच्चों की रोने से मुझे अपनी बचपन के बारे में याद आता है, क्योंकि जब मैं छोटा था कोई भी मेरे ओर हाथ नहीं बढ़ाया मुझे बचाने के लिए। और उसके बाद ट्विलाइट आन्या को पुलिस स्टेशन कहाँ पर है ये बता देता है और वहाँ पर जल्दी जाने के लिए बोलता है। आन्या तभी वहाँ से जाने लगती है और वो जाते वक्त ट्विलाइट की मन की बात सुन रही होती है, जहाँ पर ट्विलाइट अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इसीलिए स्पाई बना हूँ ताकि इस दुनिया में किसी भी बच्चे को रोना ना पड़े। इतने में ही करीन के फादर के लोग वो दरवाजे को तोड़ देते और बाहर आ जाते। वहाँ पर ट्विलाइट ने बहुत सारे ट्रैप बिछाए थे और वो वहाँ पे एक एक करके सबको मार देता है। और उसके बाद ट्विलाइट करीन के फादर के पीछे जाके उनके सर पर गन लगा के कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी करीन एक नॉर्मल जिंदगी जिए तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। और उसके बाद वो करीन के फादर को थोड़ा डराता है और इसके बाद ट्विलाइट वहाँ से चला जाता है। और जब वो बाहर जा रहा होता है तभी वो एक चीज को देखता है जिसकी वजह से वो पूरा हैरान हो जाता है, और वो देखता है कि अभी भी आन्या बाहर बैठ के उसकी वेट कर रही होती है। उसके बाद आन्या जल्दी जाके फॉर्गर की पैर पकड़ लेती है, जहाँ पर फॉर्गर कहता है कि आखिर तुम घर के बाहर क्या कर रही हो, और साथ ही वो किडनैपिंग के बारे में झूठी कहानी बना के आन्या को बोलने लगता है, जहाँ पर आन्या कहती है कि पापा बहुत ही बड़े झूठे हैं। और वहाँ पर आन्या कहती है कि मुझे पापा के साथ हमारे घर जाना है, अगर आप मुझे पीछे छोड़ देंगे तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। और वहाँ पर फॉर्गर सोचने लगता है कि इसे चार लोगों ने अडॉप्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया। और उसके बाद वो आन्या के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी घर चेंज करते हैं और एक नई होम की ओर बढ़ते हैं। फॉर्गर आन्या को बहुत सारी झूठी झूठी कहानी बना के सुना रहा होता है, लेकिन आन्या को पता चल जाता है कि फॉर्गर की ये कहानियां झूठी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडन कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर फॉर्गर बाहर बैठा होता है और वो काफी टेंशन में होता है। अंदर आन्या एग्जाम दे रही होती है और काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसके आसपास के किसी भी बच्चे को वो आंसर नहीं आ रहे होते हैं और वो सारे बच्चे अजीब अजीब हरकतें ही कर रहे होते हैं। उसके बाद आन्या पेपर को देखती है, जहाँ पर वो याद करती है कि फॉर्गर ने उसे किस तरह वो पेपर के आंसर पढ़ाए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉर्गर चेक कर रहा होता है कि आन्या का सिलेक्शन हुआ या नहीं। वहाँ पर आन्या का सिलेक्शन हो जाता है, जिससे फॉर्गर काफी ज्यादा खुश होता है और वो आन्या से कहता है तुम पास हो गई। और उसके बाद वो आन्या को उठाता है और वो गिर जाता है, जहाँ पर आन्या को लगता है कि फादर मर गए हैं। वो कहती है पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। और वहाँ पर फॉर्गर सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं आखिर हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फॉर्गर की हालत ऐसी हो गई होती है क्योंकि वो बहुत दिनों से रेस्ट नहीं किया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके घर में एक पोस्टमैन आता है, जहाँ पर वो पोस्टमैन आन्या से कहता है कि ये लेटर लेके अपने फादर या फिर मदर को दे दो। लेटर ले जाके वो फॉर्गर के पास ले जाती है, जहाँ पर वो कहती है आपके लिए एक लेटर आया है। उसके बाद वो फॉर्गर के पास जाके सो जाती है क्योंकि फॉर्गर नहीं उठ रहा होता है। और उसके बाद फॉर्गर अचानक उठ जाता है। आखिर तुम करना क्या चाहती थी, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी, और आखिर मैं कैसे किसी के आगे सो सकता हूँ, मैं बिल्कुल एक बेकार स्पाई हूँ। और उसके बाद फॉर्गर को वही लेटर दे देती है और वो पूछती है आखिर ये लेटर में क्या लिखा है। जहाँ पर फॉर्गर कहता है कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे एडमिशन के लिए तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर एक इंटरव्यू रखा है और ये इंटरव्यू के लिए फादर और मदर होना जरूरी है। और लॉयड यहाँ सोचता है कि अब वो मुसीबत में पड़ने वाला है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।